दोस्तों यूपी बोर्ड रिजल्ट 2024 जारी कर दिया गया है और छात्र छात्राओं को बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। कुछ छात्र छात्राओं को उम्मीद से अच्छे नंबर मिले हैं और वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। उन सभी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल की तरफ से। लेकिन ढेर सारे कॉमेंट्स, सैकड़ों हजारों कॉमेंट्स हमारे पास कुछ बच्चों के इस तरह के आए हैं जिनके या तो जो नंबर आए हैं वो उम्मीद से बहुत ज्यादा कम आए हैं या फिर वो अनफॉर्चुनेटली एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो वो कैसे अपना साल बचा सकते हैं या फिर वो कैसे नंबर अपने बढ़ा सकते हैं लीगल तरीके से, कौन से ऑप्शन उनके पास हैं जिसके द्वारा वो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर वो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, बाई चांस कोई बैड लक हो गया या फिर एग्जाम अच्छा नहीं गया था, किसी भी तरह से एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो फिर वो कैसे अपना साल बचाएंगे, वो कैसे इस परीक्षा को पास करेंगे जिससे उनका साल खराब ना हो। तो दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से ढेर सारे कमेंट्स यहां पर मिल रहे हैं। एक वीडियो अभी मैंने डाला था, आप उस वीडियो को भी पहले जाकर देख सकते हैं। यहां पर यह थंबनेल है कि क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में फेल है या कम नंबर है तो कैसे नंबर आप बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो को में भी मैंने सभी कुछ डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आप बच्चों ने पूछे हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जिनका अच्छा नहीं आया है या फिर जिनके उम्मीद से ज्यादा कम नंबर आए हैं या फिर जो फेल हो गए हैं। अब देखो भैया, सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे पहला कमेंट आता है आरोही यादव का कि मैं जेईई इन्होंने दिया है और शायद इनके 75% से नंबर कम है। तो 75% का क्राइटेरिया पूरा जब आप करते हैं तभी आप जेईई की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो यह भी एक प्रॉब्लम छात्र छात्राओं की तरफ से आती है। तो अगला देखो यहां पर है कि सर मैं तो बिल्कुल फेल हूं, मेरा करा दो कुछ प्लीज। अब भैया हम तो नहीं कराते, लेकिन आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं और क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो फिर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, फिर आप उस सब्जेक्ट की परीक्षा देकर पास हो सकते हो। अगर क्लास ट्वेल्थ में आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी या मैथ, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं क्लास ट्वेल्थ में, तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका मिलेगा और ये एग्जाम आप देखे परीक्षा में पास हो जाओगे, अपना साल आप बचा लोगे, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म बच्चों निकलते हैं जब परीक्षा फल आता है, उसके एक डेढ़ सप्ताह बाद कंपार्टमेंट के फॉर्म बोर्ड द्वारा जारी करे जाते हैं। ये फॉर्म आपके स्कूल द्वारा भरे जाते हैं, चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा करना होता है और कंपार्टमेंट का फॉर्म स्कूल के द्वारा भरवाया जाता है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं और एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो फिर आप बच्चों कंपार्टमेंट का एग्जाम दे पाएंगे। कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने के बाद कंपार्टमेंट की परीक्षा होती है जून जुलाई में, ठीक है, मई जून में परीक्षा होगी और जून जुलाई अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा और आपको नेक्स्ट क्लास में या डिग्री कॉलेज या फिर आपके ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो भैया यहां पर कंपार्टमेंट में जो एक सब्जेक्ट में फेल है उनको तो मौका मिलेगा कंपार्टमेंट का। दूसरा ग्रुप वो है जिनको लगता है कि भैया उम्मीद से बहुत ही ज्यादा नंबर कम आए हैं, तो उनके लिए स्क्रूटनी का एक फॉर्म भरा जाता है, ₹500 प्रति पेपर के शुल्क लेकर स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है जिसमें कॉपी को देखा जाता है कि कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुई है मार्क्स को टोटल करने में, नंबर को जोड़ने में, या फिर एग्जामिनर सर जिन्होंने कॉपी चेक करी कुछ ऐसा तो नहीं कि उनसे कुछ प्रश्न बिना चेक हुए ही छूट गए हों जिससे आपके नंबर कम आए। तो स्क्रूटनी जो ₹500 प्रति पेपर कराई जाती है वो बच्चे करा सकते हैं जिनको लगता है कि भैया मैथ में क्लास ट्वेल्थ में उन्होंने सोचा था कि हम तो 100 नंबर का करके आए, हमारे 95 तो आना चाहिए और आ गए 45, तो अब वो चेक कर सकते हैं, कॉपी खोल के उनकी देखी जाएगी, फिर से जोड़ा जाएगा कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, तो स्क्रूटनी में ये काम होगा। स्क्रूटनी के अब भी फॉर्म यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। बाकी क्लास टेंथ में अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे पाएंगे और एक सब्जेक्ट में अगर आप फिर भी फेल रहते हो तब भी आपको पास मान लिया जाएगा। लेकिन अगर टेंथ में अगर आप दो से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होंगे तो फिर आपको फेल माना जाएगा। अगली बार बच्चों मेहनत करना, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अगली बार अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करके ईमानदारी से आप पास हो सकते हैं। अब फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया
सर मेरे टोटल 282 नंबर आए हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं सर। सॉल्यूशन, भैया 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप अगली साल मेहनत करें अच्छे से ईमानदारी से। सर 65% मिर्जापुर बहुत कम आया, अब कम आया है, अगर उम्मीद आपको है कि भाई किसी सब्जेक्ट में आपको नंबर कम मिले हैं तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंप्रूवमेंट एग्जाम की। अब जैसे यहां पर है कि 62.6 इनका आया है और ये निराश है कि भैया हमारा तो कम परसेंटेज बना है, तो क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम फिर से भर सकते हैं सभी विषय का या कुछ विषय का इंप्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हैं? जी नहीं, यूपी बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता, दोबारा एग्जाम नहीं कराया जाता। अगर आप पास हैं, अगर आप पास हैं, आपके 62% हो या 50% हो या फिर 55% हो या फिर 45% ही क्यों ना हो, अगर आप पास हैं तो फिर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देंगे, कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम यूपी बोर्ड में होता ही नहीं है। अगर फेल हैं, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, तो एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का एग्जाम भर पाओगे क्लास ट्वेल्थ में, क्लास टेंथ में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भर देना, एक में फेल रहोगे तब भी पास माना जाएगा, ठीक है। अगर इंटर में दो या दो से ज्यादा में आप फेल हो तो फिर आपको फेल माना जाएगा। टेंथ में अगर आप तीन या तीन से अधिक सब्जेक्ट में फेल होंगे बच्चों तो आपको अगली बार मेहनत कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंप्रूवमेंट नहीं, अब जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहो और आगे की तैयारी करो, आगे अच्छे से मेहनत करो। सर मेरा 4 आया है, 3 सब्जेक्ट में फेल हूं। भैया 3 सब्जेक्ट में फेल होने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप अगली बार मेहनत करिएगा। सर मेरा हिंदी और फिजिक्स में कम है, अब कम है, अब ये कम है, लेकिन अगर आप पास हो, हिंदी में भी पास हो, फिजिक्स में भी पास हो, कम हो चाहे जितना हो, मान लेते हैं 50-50 है, अब यहां पे ये कम माने जाएंगे 50-50, बच्चे को लग रहा है कि ये कम है, तो कम है तो फिर आप पास हो तो फिर आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम कुछ नहीं भर सकते। स्क्रूटनी चाहो तो करा सकते हो, कॉपी रिचेक करा सकते हो कि भैया देख लो कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, लेकिन ये तभी कराना जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कि आना चाहिए था 85 आ गए 45, तब आप स्क्रूटनी करा सकते हो। स्क्रूटनी में बच्चे पूछते हैं कि भैया घटेगा तो नहीं? जी नहीं, स्क्रूटनी में घटेगा नहीं, अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ जाएगा। 58 सोशियोलॉजी में फेल, तो भैया कंपार्टमेंट एग्जाम आप भर देना, आप पास हो जाओगे। बाकी है सर इंटर में संस्कृत का पेपर दिया था लेकिन रिजल्ट में संस्कृत के आगे AA लिखा है, नंबर नहीं दिया, ऐसा क्यों है? तो भैया एब्सेंट लग गई है आपकी, AA का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट आपकी लग गई है। अब ये आप कॉलेज में आप अपने बात कीजिए कि ऐसी दिक्कत क्यों आई है, तो जांच वगैरह अगर होगी तो आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है। अगला देखो है कि 89% है मेरा, भैया बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हर्षित को। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूपी बोर्ड 81% हाई स्कूल, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, ठीक है, थैंक यू सर बोल रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सर अगर मेरा रीचेक करा तो कॉपी हमारा सामने चेक होगी? जी नहीं, कॉपी सामने चेक नहीं होगी, कॉपी सामने चेक नहीं होगी, आप शुल्क भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, कॉपी को दोबारा रीचेक करके आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा, कॉपी आपके सामने चेक नहीं होगी। अगला है कि हिंदी में बहुत कम नंबर है, अब हिंदी में कम नंबर है तो आप स्क्रूटनी चाहो तो ₹500 देके आप करा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उम्मीद से कम है, फॉर्म जब आएगा तो आप भरोगे, बाकी अगर पास हो ठीक है और ज्यादा कम नहीं है तो बढ़िया मस्त आगे की तैयारी करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कब आएगा सर ये फॉर्म? तो भैया ये फॉर्म रिजल्ट के 1-2 हफ्ते बाद जारी हो जाते हैं, कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी के, ठीक है, उस सभी की अपडेट मैं आपको पहुंचाऊंगा, सारी अपडेट कंपार्टमेंट एग्जाम और स्क्रूटनी की मैं आपको देने वाला हूं। स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सारी जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर जी क्या यूपी बोर्ड क्लास 12 की बोर्ड कॉपी स्टूडेंट देख सकते हैं बोर्ड ऑफिस जाके? जी नहीं, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन आप फॉर्म भरोगे स्क्रूटनी का तो दोबारा कॉपी निकाल के उसको देखा जाएगा कि कहीं पर चेक करने में या मार्क्स को जोड़ने में ठीक है वहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगला है कि सर मेरी कॉपी नहीं चेक हुई है, तो अब इनको लगता है कि भैया कॉपी ठीक नहीं चेक हुई है, तो जाओ स्क्रूटनी का फॉर्म है तो भर देना, स्क्रूटनी में दोबारा कॉपी निकाल के ठीक से देख लिया जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, मार्क्स बढ़ते होंगे तो अपडेट कर दिए जाएंगे। अगला है कि सर 87.66% है क्लास 10 में, बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर है,
आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन है कि स्वाति त्रिपाठी प्रयागराज से हूं सर, मैं नीट देना है, 75% है, बहुत बढ़िया नंबर है, नीट में फोकस करो, 75% नंबर काफी अच्छे हैं, नीट में ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, आप सफल हो जाओगे। अगला है कि सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फेल है, क्लास 12 क्या करो। भैया तीनों में फेल हो तो अगली बार एक बार मेहनत और कर लेना, अच्छे से मेहनत करना, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए होते तो फिर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते और आपका साल बच जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दोबारा पढ़ सकता हूं सर, बिल्कुल पढ़ सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो, अगर फेल हो गए हो तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर मैं पास हो गया हूं लेकिन क्लास 12th में कम नंबर हैं तो इसलिए दोबारा पढ़ना। भैया दोबारा क्यों पढ़ोगे, जितने भी कम क्यों ना हो लेकिन आगे की तैयारी करो। बाकी अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार कॉलेज में जाके बात कर लेना, अगर वो अनुमति देते हैं तो आपका एडमिशन कर लें तो कर लें। सर मैं तीन विषय में फेल हो चुकी हूं, मैं प्रयागराज से हूं, सर मैं क्या करूं। भैया तीन विषय में अगर फेल हो चाहे 10th में चाहे 12th में तो आप फेल ही माने जाओगे, आपको कंपार्टमेंट का भी मौका नहीं मिलेगा। कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका एक में दिया जाता है, स्क्रूटनी करा लो। अगर कम कम नंबर से फेल हो, मान लीजिए 5-5 नंबर से आप हर सब्जेक्ट में 5-7 नंबर से फेल हो तो स्क्रूटनी आप करा सकते हो, कॉपी रीचेक। अगला है कि 49% सर 12 दोबारा पढ़ सकते हैं, 12 दोबारा कर सकते हैं, क्यों करोगे। सही है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगातार यहां पर ढेर सारे को, यहां पर तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं। सर मैं संस्कृत और इंग्लिश में फेल हो गए हैं, प्लीज बताइए। तो आप संस्कृत में आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम करा सकते हो, बाकी आप चाहो तो दोनों में स्क्रूटनी भी करा सकते हो कि कहीं पे अगर 4-6 नंबर से अगर फेल हुए होगे तो हो सकता है कि स्क्रूटनी में आपके नंबर बढ़ जाएं, कहीं पर लगता है आपको कि भैया नंबर कट गए हैं या उम्मीद से कम आए हैं इसलिए फेल हुआ। अगर किया ही नहीं था और फेल हो गए हो तो अब आपके पास मौका नहीं है। फिलहाल तो अभी तक की जो 2023 के आंकड़ों के हिसाब से माने तो केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम भरने का मौका मिलता है, बाकी दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट नहीं भर सकते। अगर आप एक में फेल हुए होते तो आप कंपार्टमेंट का पेपर देके पास हो जाते। क्या मैं भी चेक करा सकता हूं? हां, चाहे कोई फेल हो, चाहे कोई पास हो, चाहे किसी के कम नंबर आए हो, वो सभी स्क्रूटनी करा सकते हैं, अपने कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। बस हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पेपर के लिए ₹500 का शुल्क आपको देना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। अगला है 262 है, यहां पर इन्होंने कहा 262 है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हेलो सर मैं दो सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं, क्या मैं कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म भर सकता हूं, प्लीज सर रिप्लाई। मैं तो फिजिक्स में फेल हूं। अब आप एक में फेल होते तो फिर आप भर सकते थे और पास हो जाते, बाकी नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। हो सकता है कि इस बार दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका हो, लेकिन अभी पिछले साल के अनुसार अगर माने तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में 12th वाले कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, अगर आपके मार्कशीट पर लिख के आया है कंपार्टमेंट तो फिर आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हो, अगर फेल्ड लिख के आया है तो फिर आप कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आप पे लिखा है फेल्ड एंड कंपार्टमेंट तो आप कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कैसे लिखा होता है, COMP, इस तरह से कंपार्टमेंट लिखा होगा, रिजल्ट जहां होगा वहां पर लिखा होगा, तो फिर आप कंपार्टमेंट भर सकते हो। अगर फेल्ड लिखा है तो फिर आप कंपार्टमेंट नहीं भर सकते, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो। 67% है, 85% चाहिए था। तो भैया एक बार अगर आपको लगता है बहुत कम आए, पेपर बहुत अच्छे गए थे लेकिन नंबर नहीं मिले, तो चेक करा सकते हो, रीचेक कॉपी। सर 64% आकर भी फेल हूं, मैथ में कम नंबर आया, तो स्क्रूटनी करा लो, कंपार्टमेंट एग्जाम भर सकते हैं अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। और हाई स्कूल में दो सब्जेक्ट में फेल हो तो एक में भर देना, एक में फेल भी रहोगे तब भी पास माना जाएगा। सर 12th में हूं, प्लीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता हूं, प्लीज सर। हाँ बिल्कुल दे सकते हो अगर आप उसका क्राइटेरिया पूरा कर दोगे। सर मैं 12th में हूं, 226 नंबर इनके आए हैं, ठीक है। अगला है सर मैंने मैथ में पूरी कॉपी भर दी फिर भी फेल कर दिया। आप भरने का मतलब यह नहीं कि आपने कीवर्ड के अनुसार फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा, कुछ भी मैथ में भर दिया, अगर कुछ भी भरोगे तो भैया फेल होगे, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम भर देना, जब फॉर्म आएंगे तो आप कंपार्टमेंट का परीक्षा दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे नंबर कम है, मैं फेल हो गया, मेरे नंबर कम है। राजा राम सिंह कह रहे हैं कि मेरे नंबर कम है। अब कम है तो इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, अगर नंबर कम है और परीक्षा में पास हो तो फिर आप चाहो तो आप स्क्रूटनी करा सकते हो, कॉपी को निकलवा के देख सकते हो, अगर आपको लगता है पेपर अच्छे गए थे नंबर कम मिले हैं। मैं फेल हो गई हूं, तो अगर आपको लगता है कि
पेपर अच्छे गए थे तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। अगला कॉपी रीचेकिंग कब होगी, अपडेट आएगी, नोटिस निकलेगी, फॉर्म जारी होंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सर ट्वेल्थ में 226 नंबर मिले हैं, पास हैं तो सही है, अगर नहीं पास हैं तो आप अगले साल भी मेहनत कर सकते हैं, बाकी स्क्रूटनी भी करा सकते हैं। गलत नंबर दिए हैं सारे सब्जेक्ट में। अब देखो अल्फिशा अंसारी यहां पर कह रही है कि गलत नंबर दिए हैं सब सब्जेक्ट में, तो अब इनको चाहिए कि ये स्क्रूटनी करा सकती हैं, स्क्रूटनी करा सकती हैं कि इनको लग रहा है कि हाँ नंबर बहुत कम मिले हैं, उम्मीद से कम मिले हैं, तो स्क्रूटनी आप करा सकती हैं। फॉर्म फिल कहां से होंगे कंपार्टमेंट के, तो भैया कॉलेज में नोटिस आएगी, कॉलेज में संपर्क करना, जैसे यूट्यूब पे फॉलो करते रहना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कब कंपार्टमेंट के फॉर्म आएंगे। उसके बाद आप अपने कॉलेज जाके फॉर्म फिल करेंगे, बैंक से चालान बनवाएंगे, फीस जमा करेंगे, आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म भर जाएगा, फिर आपकी परीक्षा की तिथि आएगी, उसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, फिर आपका पेपर हो जाएगा और फिर उसका रिजल्ट निकल आएगा। सर स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा, जब कंपार्टमेंट का आएगा तभी स्क्रूटनी का आएगा, स्क्रूटनी का थोड़ा पहले आ जाता है। अगला कि 64% कैसे हैं, मैथ्स में 12 नंबर आए हैं जबकि 90 करके आए थे, तो स्क्रूटनी करा सकते हैं आप, पूरा वीडियो मैंने बताया, बाकी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। यूपी बोर्ड में भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता, प्रकाश भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम यूपी बोर्ड अभी 2023 तक तो नहीं कराया, सिर्फ कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी ही होता है। स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा, भैया एक दो दिन बाद आ जाता है रिजल्ट के। इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम यूपी बोर्ड में नहीं होता। सर मैं फेल हो गई हूं क्या करूं, अगले साल पढ़ो, या फिर अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा। बाकी यहां पर सर जी कंपार्टमेंट एग्जाम में प्रेजेंट नंबर से कम नंबर आए तो कौन से मार्क्स वैलिड होंगे, तो वही वैलिड होंगे जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। वैसे कम नहीं आते, इस बात को आप निकाल दो दिमाग से कि नंबर कम आएंगे, कंपार्टमेंट में नंबर बढ़ के ही आते हैं क्योंकि उसमें बच्चों को पास ही करना होता है। अगला है कि गणित में 43 नंबर है, क्या दोबारा परीक्षा दी जा सकती है, तो इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते, अगर फेल होते आप तो फिर कंपार्टमेंट दे सकते। सर मैं तो फिजिक्स में फेल हूं, क्लास 12th यूपी बोर्ड, तो एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट भर सकते हैं, बाकी चाहो तो दोनों में स्क्रूटनी करा लो, एक में अगर पास हो गए स्क्रूटनी में, एक में कंपार्टमेंट भर देना, निकल जाओगे, साल बच जाएगी। सर मेरा 472 आया, तीन सब्जेक्ट में फेल है, तो तीन सब्जेक्ट में फेल हो बच्चे तो आपको मौका नहीं मिलेगा, तीन सब्जेक्ट में फेल वाले को फेल माना जाएगा, ठीक है। अमित जी चित्रकूट से बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा 49% है, पास हो तो भैया आगे मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट पर वीडियो बनाइएगा। हाँ बिल्कुल, कंपार्टमेंट एग्जाम और स्क्रूटनी पर पूरा वीडियो कंप्लीट आएगा। ज्योग्राफी 52F यानी एब्सेंट इनका लग गया है, तो कॉलेज में जाकर संपर्क कर लेना। यहाँ पर लिखा थैंक यू सो मच सर जी, मैं पास हो गया क्लास 12th 60%, थैंक्स सर जी, आप जो बोले थे वाह सच हो गया सर जी, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत भैया आप पास हो गए इसके लिए मुझे बहुत खुशी। कंपार्टमेंट का फॉर्म है बताना, जी बिल्कुल बताया जाएगा भाई, गलती वो करे पैसे हम भरे, इससे अच्छा पढ़ो ना तो ही फायदा। तो इनका भैया लग रहा है कि नंबर ज्यादा कम आए हैं, तो फिर स्क्रूटनी आप करा सकते हैं। भाई मैं मैथ में फेल हूं, कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहती हूं, क्या आप बताएंगे कब होता है? जी हां, सबसे पहले स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा एग्जाम रिजल्ट के 2-3 दिन में, उसके बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम हफ्ते डेढ़ हफ्ते या 2 हफ्ते में आ जाता है। तो आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट नाम से ये जो क्वेश्चन आया है। अगला है कि वेरी वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू भैया। यूपी बोर्ड में इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है? नहीं होता है भैया, मेरे नंबर कम आए हैं तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट दे सकता हूं? नहीं दे सकते, यूपी बोर्ड कराता नहीं है इंप्रूवमेंट एग्जाम, बाकी इस बार करा दे तो पता नहीं, अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। 71% आए हैं जेईई भी इन्होंने दिया है, तो भैया अब क्राइटेरिया यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है वो पसेगा, बाकी क्वेश्चन आप डालो मैं सभी के आंसर करूंगा। बाकी इस वीडियो में और पिछले वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई होंगी, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी मार्कशीट भेज सकते हैं, ठीक है, मैं लगा दे रहा हूं नंबर यहां पे, वहां से मैं देख लूंगा और आप कंपार्टमेंट भर पाओगे या नहीं मैं आपको बता दूंगा। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी सफल छात्र छात्राओं को गुड लक, और निराश नहीं होना है जिनको कम नंबर मिले हैं, आगे मेहनत करो, कंपार्टमेंट एग्जाम जिनको देना है उनका पड़ जाएगा, जिनका नहीं है एक बार भैया और मेहनत कर लेना, बाकी सब बढ़िया है, गुड लक सभी के फ्यूचर के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंपार्टमेंट स्क्रूटनी
और सारी अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे थे जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।